हे एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आज मैं कुछ फर्स्ट टाइम करने जा रही हूँ जो कि मैंने पहले कभी इसे ट्राई नहीं किया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ कि हाँ, मैंने कभी भी शीट मास्क अप्लाई करके नहीं देखा। फिर मैंने अचानक से बाय कर लिया शीट मास्क, तो फर्स्ट टाइम ट्राई करने जा रही हूँ। तो इसका एक्सपीरियंस और ये किस तरह वर्क करता है और किस तरह आपकी स्किन के लिए हेल्पफुल है, वो सारी चीज़ें मैं आप से इस वीडियो में शेयर करूं। तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। गार्नियर का स्किन नेचुरल पूरा ग्लो शीट मास्क। तो गाइज, ये जो मास्क है वो सीरम फेस मास्क है। ये मान लीजिए कि आप इसमें सीरम ही सीरम भरा हुआ है अंदर, तो इसलिए ये आपकी स्किन को हाइड्रेट और ग्लो प्रोवाइड करेगा और डल स्किन को हाइड्रेट और ग्लो प्रोवाइड करेगा, ऐसा इनका कहना है। कोई भी मास्क को क्लीन फेस पर ही आपको अप्लाई करना होता है। मेरा फेस अभी बिल्कुल क्लीन है, मैं बस वॉश करके आई हूँ। इसकी जो MRP है ये है 99 रुपीज़ का। तो ये मैंने डीमार्ट से परचेस किया था, तो वहाँ पर मुझे ये 65 में मिला है। ओह माय गॉड, इतना सारा सीरम है अंदर। देखते हैं कितना ग्लो आता है। अगर ग्लो आएगा तो जैसे कि मैंने कहा है वीक में 3 बार लगाना है, तो 2 बार और लगा लूँगी मैं। ज़्यादा ही ग्लो चाहिए मुझे। तो शीट मास्क का ऐसा होता है कि ये आपको इंस्टेंटली ग्लो देते हैं। जैसे कि आप शादी में जा रहे हो और आपने पहले फेशियल नहीं कराया या कुछ और नहीं कराया, स्किन केयर नहीं किया आपने, तो आप शीट मास्क को फटाफट से अप्लाई करो और फिर उसके बाद में मसाज ऐसे हाथ से करके और फिर आप उसके ऊपर मेकअप कर लो बिना धोए। तो उससे क्या होगा कि आपकी स्किन जो है वो ग्लोई ग्लोई होगी और आपका मेकअप जो है, जब तो मेकअप है जिसका मेकअप का बेस है वो बिल्कुल परफेक्ट आएगा, बहुत अच्छा लगेगा मेकअप। तो ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप अपनी स्किन की पहले से केयर नहीं करी है आपने और आपको कभी अचानक से कहीं जाना पड़ जाए, तो शीट मास्क लाओ, फटाफट से लगाओ, तो आपका स्किन बिल्कुल ग्लोई ग्लोई हो जाएगा। क्योंकि देखो ग्लोइंग तो होगा ही, स्मूथ भी होगा, ग्रेडियंट भी होगी आपकी स्किन। क्यों होगी? क्योंकि इतना सारा इसमें सीरम भरा हुआ है, एक बॉटल सीरम इसने अकेले एक शीट मास्क में दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली कुछ तो आपकी स्किन को बेनिफिट्स होंगे ही। तो अभी मुझे काफ़ी ठंडा लग रहा है, मैं बैठी भी कहा हूँ यहाँ पर सबसे ज़्यादा हवा आती है। मैं बैठी हूँ बालकनी में, तो यहाँ पर तो हवा भी है और सीरम तो ठंडे ही होते हैं, इसलिए मुझे ज़्यादा ठंडा लग रहा है। 15 मिनट रिलैक्स करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया है तो अब मैं इसको हटाने वाली हूँ, आपके सामने ही हटाऊँगी। देखते हैं कितना क्या ग्लो आया है, कैसी मेरी स्किन लग रही है, आपने पहले भी देखी। और अब इसके अप्लाई करने के बाद देखते हैं। सो गाइस, जैसा कि इसमें लिखा हुआ था कि आपका मतलब पिंक ग्लो आ जाता है फेस पे, तो ऐसे तो कुछ हुआ नहीं, पिंक ग्लो तो कहीं आया नहीं। पर हाँ, मेरी स्किन काफ़ी सॉफ्ट लग रही है क्योंकि इसमें काफ़ी सारा सीरम है। तो और अभी आपको इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे मसाज कर लेना है, 15 मिनट से तो ज़्यादा ही रखा होगा मैंने, उसके बाद भी आप मेरा फेस देख सकते हो, काफ़ी ग्लोई लग रहा है, शाइन भी आ गई है, सॉफ्ट भी हो गया है, बाउंसी बाउंसी सा भी लग रहा है। आप बिना फेस वॉश किए अब अपने फेस पर आप मेकअप कर सकते हो, क्योंकि इट्स जस्ट अ सीरम, इसलिए आप इस पर ही मेकअप अप्लाई कर सकते हो, बहुत अच्छे से आपका मेकअप जाएगा, काफ़ी स्मूथ और लॉन्ग लास्टिंग मेकअप रहेगा, काफ़ी मॉइस्चराइज लग रहा है मेरा स्किन। दे आर ट्रू 70-80%, यस। सो गाइस, यही था आज का वीडियो, एंड आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।